गुरुदेव, गुरु से कुछ अपेक्षा रखना उचित है या गुरु से कुछ भी चाहना उचित नहीं, क्या करना चाहिए? अपेक्षा तुम सोच के थोड़ी ना रखते हो, तेरे भीतर उठ जाते हैं। अपेक्षा उठती है तो ठीक तो है, क्या करोगे? अरे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दबाओगे उसको? जिस वक्त जो जैसा है उसको वैसे देखो, आगे बढ़ते जाओ। वही मुक्ति है। तुम मुक्त तभी हो पाओगे जब तुम्हारी जो मस्तिष्क है लिप्त ना हो, अटके नहीं। जब मस्तिष्क अटकता है आग्रह बनता है, ऐसे होना चाहिए, वैसे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये आग्रह उसके पीछे आने लगता है। जब बुद्धि, जैसे कढ़ाई पे हलवा जब पक जाता है तो लगता नहीं है, घी भी होती है उसमें, करछी से उसको घुमाते हैं घुमाते हैं तो वो बिना लगे हुए उसमें ऐसे उठ जाता है। इसी तरह से जीवन में जब बुद्धि इस सारे संसार के में, सब समस्या में, सब परिस्थिति के बीच में रहते रहते भी बुद्धि अलिप्त हो जाए तो तुम प्रसन्न रहोगे। समझ रहे हो ना? तो वो अलिप्त रहने का ये ढंग है कि अपेक्षा आई तो अपने आप आई, पूछ लेना अपेक्षा है तो करो, और अपेक्षा पूरी होती है तो ठीक सही है, अपेक्षा नहीं पूरी होती हो तभी कृपा है। जब पूरी होती है तो कृपा, नहीं पूरी हो तो नहीं कृपा, ऐसा नहीं सोचना। कई चीजें पूरी नहीं होती है, वही कृपा है। इस तरह से हम उभर आते हैं तो हम बिल्कुल जैसे मक्खन जैसे हो जाते हैं, फिर लगते नहीं है, तैरते हैं, डूबते नहीं, तैरता। देखो मक्खन तैरता है, पानी में डालो, दूध में डालो, कहीं भी मट्ठा में डालो तो मक्खन तैरता है कि डूबता है? तैरता, ऊपर उठा रहता है। ऐसे ही मन को ऐसे बनाओ, नवनीत बनाओ, प्रसन्न है, हुआ अच्छा, नहीं हुआ वो भी अच्छा, अच्छा के लिए। जो होता है उसके साथ ऐसी एटीट्यूड होना चाहिए, मगर जो करना है उसमें ऐसा नहीं, अरे सब होता है जी, भगवान जो करता है, काम चोरी है। ज्ञान का दुरुपयोग बहुत लोगों ने किया, इसको दुरुपयोग मैं बोलता हूं। जो होता है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मगर जो करना है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम करो, जो तुम्हें करना है वो तुम 100% अपनी ताकत लगा के करो, कोई कसूर नहीं छोड़ना, मगर जो होता है उस पर अपना अधिकार नहीं। हम क्या समझते हैं, बिल्कुल उल्टा, क्या हमको जब करने की बात होता, अरे भगवान कराते हैं तो तब करेंगे, जो होता है वो होता है, करने के बात पर जो होता है सोचते हैं, और जो होता है उस पर कर्तृत्व भाव लगा के कर्तापन में लेके आते हैं। अरे वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर, उसमें कर्तृत्व भाव आता है, कर्तापन आता है तो दुखी होते हो। क्या होने में, होने के साथ विवेक यही है जो इनका पार्थक्य को जाने, इनका फर्क को जाने। क्या करना ये है, ये कर्तव्य है, होना जो है वो प्रभु की इच्छा है। क्या
समझ में आई बात? तब कैसे दुखी हो सकोगे तुम? जो हो रहा है उसको उस पर छोड़ने से दुखी कोई हो सकते क्या? यही मुक्ति है, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। जो तुम्हें करना तुम 100% करोगे। जो हो रहा है वो हो रहा है, हुआ है, होता आ रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रही है। और हमने जो किया उसका फल तो आएगा, वो हो रहा है। हमको फल वही मिलेगा जो हम कर चुके हैं। जो हमने किया नहीं उसका फल हमको थोड़ी ना आएगा क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? बड़ा सूक्ष्म बात है भाई ये। हमें कोई मुसीबत आए इसके लिए हमने कुछ किया था, बीज बोया, बबूल का बीज बोया, तो आज बबूल कांटे तो मिल रहे हैं, कर चुके हैं, बो चुके हैं। बबूल का पेड़ से ही कांटा हमको अभी चुभ रहा है, उस पर कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। वो क्यों हो रहा है पूछने का कोई अधिकार? हो रहा है भाई, खुद किया होगा हमने कुछ इसलिए भोग रहे हैं। मगर अभी क्या करना? अब वो बबूल के पेड़ से बच के रहना, वो कांटे न चुभे हमने। हम अभी जो कर सकते वो करना चाहिए। बबूल के पेड़ क्यों हुआ सोच के दुखी होना ना समझी है। बबूल के पेड़ से बच के रहना, अपना कर्तव्य करना, इसका बड़ा सूक्ष्म पार्थक्य है। ये हमको समझ में आ जाए हम निश्चिंत हो जाते हैं। मन के अंदर एक गहराई में, आपके मन की गहराई में एक शांति छा जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको